हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा की सभी 9 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल, 5 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी नज़र आ रही है आगे। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से मुख्य मुकाबला कांग्रेस के चिरंजीव और भाजपा के लक्ष्मण सिंह यादव के बीच है और एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी से जीतते नज़र आ रहे हैं। बावल विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के डॉक्टर कृष्ण कुमार और कांग्रेस के डॉक्टर एमएल रंगा के बीच है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा बावल विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के राव नरवीर सिंह और कांग्रेस के वर्धन सिंह यादव के बीच है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह जीतते नजर आ रहे हैं। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के बिमला चौधरी और कांग्रेस की प्रत्याशी परलल चौधरी के बीच है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र से एग्जिट पोल के अनुसार बिमला चौधरी जीत रही हैं। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के मुकेश कुमार पहलवान और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर के बीच है। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में एग्जिट पोल के अनुसार मुकेश कुमार पहलवान जीत रहे हैं। सोहाणा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी रोहतास सिंह खटाना और भाजपा के प्रत्याशी तेजपाल तंवर के बीच है, जिसमें सोहाणा विधानसभा क्षेत्र से एग्जिट पोल के अनुसार तेजपाल तंवर जीत रहे हैं। नूह विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी अफताब अहमद के बीच है, जिसमें नूह विधानसभा क्षेत्र में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के प्रत्याशी अफताब अहमद जीत रहे हैं। फिरोजपुर छिरका विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी नसीर अहमद और कांग्रेस के प्रत्याशी मोमन खान के बीच है। एग्जिट पोल के अनुसार फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोमन खान बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। पुनैना विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी एजाज खान और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल के बीच है, इलाइस के बीच है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी इलाइस जीत हासिल करते नज़र आ रहे हैं। यह सिर्फ एग्जिट पोल है, इसके नतीजे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।